हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पेट पालने वाली रानू मॉन्डल के एक वायरल वीडियो ने उन्हें सोशल मीडिया पर वो पहचान दिला दी थी जिसकी तलाश में लोगों की पूरी जिंदगी खप जाती है। स्टेशन पर गाने गाकर रातों रात स्टार बनी रानू मॉन्डल की वीडियोस को लोगों ने इतना पसंद किया था कि उन्हें हिमेश रेशमिया के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। हाल ही में फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में उनका पहला गाना तेरी मेरी कहानी भी रिलीज हुआ था। इसके बाद रानू के हर वीडियो और गाने को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट और प्यार मिला। वहीं अब रानू का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर लगता है कि स्टार बनने के बाद रानू में काफी बदलाव आ गए हैं। रानू मॉन्डल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक फैन से बदसलूकी करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में वो एक फैन के छूने पर बुरी तरह नाराज होती दिख रही हैं। ये वीडियो किसी सुपरमार्केट का है जहां एक महिला पीछे से आकर रानू के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उन्हें बुलाती है और सेल्फी लेने को कहती है। इस पर रानू को गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो महिला को दूर रहने के लिए कहती है और फिर उसे छूकर पूछती है कि ऐसा करने का मतलब क्या है। महिला फैन के छूने पर रानू भड़क जाती हैं। वहीं रानू का ये वीडियो देखकर फैंस बुरी तरह नाराज हैं। सभी उनके इस बर्ताव को बुरा बता रहे हैं और लोगों के लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वहीं कई लोगों का तो ये भी कहना है कि स्टार बनने के बाद रानू के तेवर बदल गए हैं। कुछ लोगों ने रानू को सलाह देते हुए ये भी कहा कि सफलता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए वरना नीचे आने में वक्त नहीं लगता है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन से उठकर सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनी रानू मॉन्डल के पांव अब जमीन पर नहीं रहे हैं। वेल, तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।